नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आइए बात करते हैं आज के तमाम ताजा खबरों पर। गांधीनगर में चौथे ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का 4th एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 3 दिनों में यहाँ एनर्जी की फ्यूचर टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को 3rd टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले 3rd टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशन है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है कि उनकी पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस 3rd टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। दुनिया के अनेक देशों से पधारे हुए सभी साथियों का वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का 4th एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं, उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को 3rd टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले 3rd टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस 3rd टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा 3rd टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र भाजपा और आरएसएस की जातिगत जनगणना को लेकर नियत साफ नहीं है, इसलिए बार बार गोल गोल बयानबाजी करते हैं। आप इसे साफ करें कि आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करा रहे हैं तो क्यों नहीं करा रहे हैं? ये आपको पब्लिक में बताना चाहिए। देखिए, केंद्र की, भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जातिगत जनगणना को लेकर नियत जो है साफ नहीं है, इसलिए बार बार गोल गोल बयानबाजी करते हैं। और इसीलिए इस बार लोकसभा के चुनाव में पब्लिक ने इनको नकारा है। मैं इनसे निवेदन करूंगा, आप केंद्र की सबसे बड़े दल हैं, आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, आप इस बात को साफ कीजिए कि वो सेंसस किस तरीके का सेंसस आप करा रहे हैं, जातिगत जनगणना करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, और नहीं करा रहे हैं तो क्यों नहीं करा रहे हैं। ये कारण जो है आपको पब्लिक में बताने चाहिए। ये कोई आपके घर का मामला नहीं है, ये आपका कोई प्राइवेट मामला नहीं है कि जिसको आप जो है चुपचाप कराएं। आप बाकायदा बताइए, अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर कीजिए और उसके ऊपर संसद में चर्चा करें।
कर्नाटक में मंगलुरु में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल मच गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जमकर बंटवाल शहर में विरोध प्रदर्शन किया, यहां तक कि ये कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। हालांकि अभी इस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि हालत को नियंत्रण में लाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ते हुए और पुलिस कर्मियों से भिड़ते नजर आ रहे हैं। मणिपुर पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल पर रविवार को चिंता जताई। डीआईजी हिरोजीत सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी स्वचालित हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास विरोध प्रदर्शनों के लिए स्वचालित हथियारों से फायरिंग किए जाने का साक्ष्य है। खाबे सोई में हाल ही में स्वचालित हथियारों की की गई गोलीबारी में इम्फाल ईस्ट कमांडो के एक अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। डीआईजी ने कहा कि हम लोगों से अपनी मांगों के लिए लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने का आग्रह करते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक आतंकवादी को अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे मार गिराया। बारामूला में रात भर चली मुठभेड़ के बाद शनिवार को सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर संजय कनौत ने कहा कि बारामूला के चक टापर केरी में ऑपरेशन में 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया है। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ड्रोन फुटेज में आतंकवादी को घर की परिसर के पीछे कुछ पेड़ों की ओर भागते हुए देखा गया। भीषण गोलीबारी के बीच वह जमीन पर गिर जाता है और कुछ मीटर तक जमीन पर रेंगता है, लेकिन सेना के जवान की ओर से की गई फायरिंग में आतंकी की मौत हो जाती है। फायरिंग के दौरान आसपास सफेद धूल के बादल दिखाई देते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या की वारदात के पीछे सीबीआई को गहरी साजिश दिख रही है। केंद्रीय एजेंसी ने रविवार को घटना में गिरफ्तार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष व टाला थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल को सियालदह कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने दोनों को 17 सितंबर तक के लिए केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि थानेदार अभी तक मुख्य घटना में आरोपित नहीं है, लेकिन लगता है कि वारदात के पीछे कोई बड़ी साजिश है और थानेदार इसमें शामिल है। एजेंसी ने थानेदार द्वारा सबूतों को नष्ट किए जाने की भी आशंका जताई है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं बीच बीच में दिल्ली जाता रहता हूं, वहां झारखंड की बड़ी आबादी रहती है। जिस प्रकार से केजरीवाल बोलते हैं कि वो जमीनी हकीकत नहीं है, उन्हें रहने की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की समझ आ गई है कि जनता उनसे नाराज है, जिसको कम करने का एक ही रास्ता है, इसलिए वे अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। देखिए, मैं तो बीच बीच में दिल्ली जाते रहता हूँ और झारखंड के बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है, वो खास करके जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, और वो लोग इन दिनों जब भी मिलते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, तो जिस प्रकार से केजरीवाल जी बोलते हैं वैसा जमीनी हकीकत नहीं है। उनको रहने की प्रॉब्लम है, उनके लिए जो बिजली पानी जो स्थिति है वहां पर, वो जैसा वो कहते हैं वैसा कुछ नहीं है। आम लोग वहां से परेशान होते हैं और वो तो चाहते हैं कि लोग भाई अगर झारखंड डेवलप करे तो हम लोग झारखंड वापस लौट जाएं। ये बदतर जीवन से, तो आज हमें लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की समझ आ गई है कि जनता उनसे नाराज है, और उस नाराजगी को कम करने का एक ही रास्ता है कि मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दो, इसलिए वो ये कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो वही कहा ना कि जब आदमी देखता है कि स्थिति हमारी कमजोर हो रही है और वो कितनी नाटक करने में कितने माहिर है या झूठ बोलने में भी कितने माहिर है, तो शायद हम लोग देहात में कहते हैं ना कि कहावत है, क्रिकेट में ऐसा रंग नहीं बदलता है जितना वो अपना रंग बदल देते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री जमशेदपुर रैली की, यहाँ से बाई रोड रांची से जमशेदपुर की रैली थी, जेएमएम कह रही है कि उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ झूठ बोला। नहीं, कौन सा झूठ बोला,
भाई देश के प्रधानमंत्री का ये तो दर्शाता है कि झारखंड के लोगों को कितना प्यार करते हैं। और आज भी बारिश हो रही, ऐसे मौसम जहां हेलीकॉप्टर नहीं चल सकता है, लेकिन वहां लोग इकट्ठे थे तो इसके प्रधानमंत्री ने कहा कोई बात नहीं, हम बाई रोड चलेंगे। अब 125 किलोमीटर रोड से जाना, 125 किलोमीटर रोड से आना, तो हम समझते हैं कि देश के शायद ही कोई प्रधानमंत्री होंगे जो इतनी लंबी यात्रा करते हो और वहां लोगों को, उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर। वो तो झारखंड के प्रति मोदी जी का जो प्रेम यहां के लोगों के प्रति वो दर्शाता है, तो स्वाभाविक है कि जहां इतना प्रेम जहां दर्शावे तो जेएमएम तो छटपटाहट होगी ही उनके अंदर में, तड़पड़ाहट होगी उनके अंदर में। सर एक आखिरी सवाल है, आप लोग परिवर्तन यात्रा भी शुरू करने वाले हैं, कब से कार्यक्रम होगा, कौन कौन? देखिए आज उसके लिए 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप जरूर आना, वहां बताएंगे। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान उनकी बयान सुना दूं तो बिट्टू साहब परेशान में पड़ जाएंगे, क्या क्या नहीं कहा था, वो नए परिवर्तित हैं, नए परिवर्तित के समक्ष चुनौतियां बहुत होती हैं, उसको मोर क्रिश्चियन देन द पॉप साबित करना होता है, उस मसले में वो भिड़े हुए हैं, उनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस में बीती, आप पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं, मंत्री बने हैं, लेकिन सुचिता रहनी चाहिए। गांधी बाहर जाते हैं तो रिलीजन को बांटने की, तोड़ने की कोशिश करते हैं, कराटर अलाउड नहीं है इंडिया में, ये सब बोलते हैं। गांधी फैमिली ने कॉन्स्पिरेसी भी कही, उन्होंने फिर आगे जाके ये भी कहा कि जब इंडियन नहीं है वो, ज्यादातर जब बाहर रहते हैं उनको अपने देश से इतना कोई प्यार नहीं है, सेपरेटिस्ट भी उनको प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और अगर कोई अवार्ड देना चाहिए नंबर 1 टेररिस्ट का, देश से बड़ा टेररिस्ट उनकी अचीवमेंट है कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान उनके बयान देखे थे, सुना दूं, परेशानी में पड़ जाएंगे बिट्टू साहब, क्या क्या नहीं कहा था, नए कन्वर्ट हैं, नए कन्वर्ट के समक्ष चुनौतियां बहुत बड़ी होती है, उसको मोर क्रिश्चियन देन द पोप साबित करना पड़ता है, तो उस मसले में वो भिड़े पड़े हैं, पूरी जिंदगी कांग्रेस में बीती, मैं तो किसान आंदोलन के दौरान उनके साथ में काम किया है ना, तो आदमी को आप पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए हैं, मंत्री बने, लेकिन सुचिता रहे, ध्यान रहे, सारगर्भित बातें हों, ये बयान आपकी पार्टी के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, आप जिनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं ना उनको मुसीबत में डाल रहे हैं, उन्हें भी मुसीबत से बचाइए। फ्लोरिडा में रविवार दोपहर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब के पास फायरिंग से हड़कंप फंस गया, हालांकि ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों को इस जाँच के बारे में जानकारी दे दी गई है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि उन्हें ये जानकर राहत मिली है कि ट्रंप सुरक्षित है। वही सूचना के बाद कमला हैरिस ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके गोल्फ क्लब के पास गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है, मुझे खुशी है कि वे सुरक्षित हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक इस दबाव की वजह से इन राज्यों में सोमवार को भी अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र पर बना गहरा दबाव धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ये दबाव सोमवार को धीरे धीरे कमजोर होकर सिर्फ दबाव में तब्दील हो जाएगा। दबाव का ये क्षेत्र धीरे धीरे झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों में कई हिस्सों में 20 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।